घड़ी करके बात करेगी, रोटी फेंक करके खाना देगी, हैं? वो स्त्री हट है, अभी पीछे बढ़ गया, बताओ ये दाग कहाँ से आया तुम्हारे? तो उसने कहा, देखो एक दिन मैं स्वयं प्रजा था, जो सुबुद्ध राजा ना ये राजा था, मैंने कभी चोरी किया कुछ है? चोरी करना करना तो चुके वो हिंदू था, वो मृत्यु दंड दे सकता था, लेकिन उसने मृत्यु दंड नहीं दे करके केवल कोड़े में मार करके मेरे को छोड़ दिया। बोले भविष्य में ऐसे काम नहीं करना, मेरे ऊपर उसने दया की। वो जो बेगम थी बोले, देखो अभी तू राजा, अभी वो प्रजा, उसका तुम प्रतिशोध लो, उसका मृत्युदंड दो, उसको मार डालो उसको। बोले नहीं, वो मेरे ऊपर उपकार कभी किया था, मेरे को मृत्युदंड दे सकता लेकिन मारा नहीं, केवल छोटी सी दंड देकर छोड़ दिया, मेरे ऊपर उपकार की, मैं उसका मृत्युदंड नहीं दे सकता हूँ। बोले एक काम करो, उसको जात ले लो, उसका जात ले लो, बदना होता है ना उसमें पानी होगा कुछ गौ मांस जैसे, बोले उसको बदना से उसको पानी पिला दो, उसको पानी पिला दो, उसको जात चली जाएगी, उसको बदना से पानी पिला दो। पिला दिया तो उसने कहा मेरी जात ही गई। जब बोले जात ही गई, उसने बड़े बड़े ब्राह्मणों को पास में काशी पूरी बड़े बड़े तीर्थों में गए और बड़े बड़े ब्राह्मणों को पूछा, फिर मैं हिंदू कैसे बन सकता हूँ, मेरे तो जात चली गई। किसने कहा, देखो तुमको जात हिंदू बन सकते हो अगर जो खोलते हुए जो घी एकदम खोलेगा, कोई तुम खोलते हुए घी को पी लो, बताओ क्या होगा? मृत्यु, मतलब केवल मृत्यु दंड। और एक जगह पर गया, बोले क्या करना पड़ेगा? बोले चारों तरफ में जो कंडा से अपना शरीर को ढक दो कंडे से, और आग लगाकर उसको बीच में बैठी करो, जैसे कंडा जैसे धीरे धीरे जलते रहेगा ना, जलते जलते जैसे किस चीज खत्म हो जाए ऐसे, मतलब मृत्यु तुम्हारी। उसने बड़े बड़े जगह पर गए और उन्होंने जो उपाय बताए ना, लोहे को गर्म करके किसने कहा उसको पी लो, मतलब और तो हिंदू नहीं बन सकते हो, तो बदना में पानी पी लिया मतलब तो मुसलमान हो गया और तुमको किसी तरह से मुक्ति नहीं। ऐसे भ्रमण करते करते एक दिन ही उन्होंने सुना श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान ये कलयुग में श्री महाप्रभु का रूप में आए। श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े दयालु बड़े कृपालु गए, वो बड़े बड़े पापियों को भी महाप्रभु ने उद्धार की। उन्होंने भ्रमण करते करते श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में आए, बोले प्रभु ऐसे ऐसे स्थिति बताओ मेरी उद्धार कैसे होगी। महाप्रभु बोले तुमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल भगवान के नाम लो, ठाकुर जी की, केवल ठाकुर जी का नाम लो। देखो शास्त्र का श्लोक है, बोले मधुरम मधुरम मेतर मंगलांग मंगलानाम सकल निगम बल्ली सत्पल जीत स्वरूपम सक्रीदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा भृगुमर नर मात्र तारयते कृष्णा। देखो श्लोक क्या कहते हैं, बोले भगवान का जो नाम है ये मीठे से भी मीठा है, ये मधुर से भी मधुर है, जितने वेद पुराण उपनिषद अगर उसको मंथन किया जाए सार क्या निकलेगा? ठाकुर का नाम। सार क्या निकलेगा? ठाकुर जी के नाम ही सार निकलेगा। इसलिए भागवत का जो पहला श्लोक है नाम से और लास्ट श्लोक भी नाम से खत्म होता है, मतलब भागवत का सार क्या है? ठाकुर जी की नाम। आप लोगों को देख लेना, जीवन में जो कुछ करना कर लो, जो कुछ करना कर लो जीवन में, लेकिन जब अंतिम समय आएगा, शरीर छूटेगा, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाएंगे? बोलो से राम नाम सत्य है, यही बोला है ना, बोले राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है, सब कोई बात होता है। बेटा तुमने जिंदगी में जितने राम और कृष्ण का नाम लिया, अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, और तुमने जो कुछ जीवन में किया है झूठे में बिताया, एक सुई धागा भी तेरे साथ में नहीं जा रहे। पत्नी जाएगा तो रो रो कर दरवाजा तक जाएगी, परिवार जाएगा तो शमशान तक, उसको आगे क्या जाएगा? बोले पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोल ती मेरे सदा गुरु कृपा करे राम रतन धन पायो।
बोले भैया तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ठाकुर का नाम लो। बोले सकल निगम बल्ली सत फल चित स्वरूपम सार भगवान। बोले सक्री, सक्रित मतलब एक बार अगर किसी तरह से भगवान के नाम मुंह से निकल गया, बोले अशेष अगहरम विदु, बोले जन्म जन्मांतर का जितने तुम्हारे पाप, सारे पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं, देखो मेरे तरफ में, जैसे आप खेती में जैसे गेहूं बोते हो, देखो कैसे गेहूं बोते हैं, जैसे ऐसे गेहूं लग रहे ऐसे फेंकेगा जमीन में, ऐसे फेंक करके आ जाते हैं ना, देखना भले ही वो बीज टेढ़े पड़े, उल्टा पड़े, सीधा पड़े, लेकिन जब पेड़ होगा कैसे होगा बता दो, पेड़ कैसे होगा, वो पेड़ सीधा होगा, भले ही जैसे गिरे क्यों, वो पेड़ सीधा होगी। बोले भगवान के नाम अगर किसी तरह से मुंह से निकल गए ना, लेकिन उसका जो फल है वो सीधा होगा। इसलिए श्री कहते श्री वाल्मीकि जी पहले दशरथ ना करता, जब नारद इससे मिले बोले राम बोला, राम बोला, राम बोला, राम, लेकिन वो इतना पापी था मुंह से राम ही नाम नहीं निकला, क्योंकि पापी का मुंह से प्रभु का नाम नहीं निकलता है। दुनिया की बात करके बैठे बैठे पर भगवान का नाम हो ही नहीं सकता है। बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकता हूँ, कहते उल्टा नाम जपत जगह जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, अरे नाम ले तो भव सिंधु सुखाई विचार करो सुमन मनवाई। इसलिए भगवान बोले तुमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, हरि नाम करो, केवल हरि का नाम लो और कुछ भी करने का जरूरत नहीं, और एक काम करो। बोले कि आपने संत सेवा, एक संत सेवा, और वो रहते थे मथुरा में एक मंदिर कैसा बताए, बोले यहीं पर बैठो, लोग जो प्रणाम देंगे ना, बंगाल से जब संत आएंगे, देखो बंगाल के लोग जब तक तब तक नहीं आएंगे जब तक सोरिसा तेल नहीं लगाते, अब वो लोग रोटी नहीं खाते, वो चावल खाते हैं, बंगाल के लोग चावल खाते हैं। बोले उनके लिए चावल की व्यवस्था कर देना और सरिषा तेल शरीर में लगाते हो, तो सरिषा तेल चावल की व्यवस्था कर देना और इसी मंदिर में बैठ रहो, जो भक्त आएंगे सबका चरणा धुली लो, प्रभु का नाम जपो, और जो पैसा मिलेगा उसको तुम संत सेवा करो। बोले क्यों, बोले संतों के हृदय में भगवान का निवास है, जब तुम संतों को प्रसन्न कर दोगे ठाकुर जी अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। वैष्णव सेवन नाम संकीर्तन दुई कर सिद्ध पावे श्री कृष्ण चरण, केवल संत सेवा और श्री भगवान का नाम कीर्तन, ये दोनों चीज से ही तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर भगवान की नाम को प्रणाम करते हैं, बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, जय जय श्री राधे। हम कथा को आज यहीं पर विश्राम देते हैं, और जीत प्रभु जी कुछ अनाउंस माइक दे दो। जी, मैं बोलेंगे हरे कृष्ण।